नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गोल्ड में आपका स्वागत है। अपनी पहलवानी से दुनिया का दिल जीतने वाले दारा सिंह भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादों को लोग आज भी अपने ओंठों से लगाए फिरते। टीवी में अभिनय की बात हो या फिर पहलवानी के दाम, वह हर जगह आसानी से फिट हो जाते हैं। उन्हें बॉलीवुड का सुपर हीरो माना जाता है, तो पहलवानी में वह किसी सुल्तान से कम नहीं रहे। पंजाब के एक छोटे गांव से बाहर निकलकर उन्होंने इतना लंबा सफर कैसे तय किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यूं तो ज्यादातर पहलवान बचपन से ही दंगल के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन दारा का मामला एकदम अलग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें बचपन में पहलवानी के प्रति कुछ खास लगाव नहीं था। हाँ, वह कभी कभार शौकिया तौर पर अखाड़े में जरूर जाया करते थे। बाद में वह किशोर अवस्था में पहुंचे तो पहलवानी उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। उनकी कद काठी आम लड़कों से एकदम अलग थी। 6 फुट 2 इंच की लंबाई, भारी भरकम वजन और चौड़ी छाती उन्हें सबसे अलग करती थी। माना जाता है कि इसी कारण उन्होंने पहलवानी की ओर अपना कदम बढ़ाया था। पहलवानी की दुनिया में कदम रखते ही दारा सिंह ने अपना राज शुरू कर दिया। पहलवानी की शुरुआत सफर में उन्होंने मेलों और बाजारों में नामी पहलवानों को पटकनी लगाई। बाद में उनका सिक्का चमका तो वह पहलवानी की प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। इन प्रतियोगिता में उनके सामने उस समय का कोई भी पहलवान नहीं टिक सका। वे आगे बढ़ते गए और एक के बाद एक मुकाबला अपने नाम करते गए। लोग उनकी तारीफ करते नहीं रुकते थे। वे पहलवानी के चमकते हुए सितारे बन चुके थे। दारा अब तक देसी पहलवानी ही करते थे, जो सिर्फ देश के पहलवानों को चित करने के लिए कारगर थी। विदेशी पहलवानों को मात देने के लिए उन्हें वहां के गुर सीखने की जरूरत थी। दारा ने इस बात को समझा और खुद को तैयार किया। वे विदेशों में देश का मान बढ़ाना चाहते थे। जल्दी खुद को तैयार कर रिंग में उतरे तो विदेशी पहलवानों ने पसीने छोड़ दिए। दारा ने उन्हें बता दिया था कि वह क्या है, क्यों उन्हें लोग इतना चाहते। उन्होंने बिल वर्न, फिफोर्प, जॉन डा सिल्वा और डैनी लिंच जैसे कई विश्व प्रसिद्ध पहलवानों को हार का स्वाद चखाया। वैसे तो दारा ने ढेर सारे पहलवानों से दो दो हाथ किए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पहलवान किंग कॉन्ग के साथ हुआ मुकाबला सबसे खास माना जाता है। कहते हैं इस मुकाबले को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुकाबले के ऐलान भर से ही पूरा विश्व इस मुकाबले के लिए उत्साहित था। हर कोई इन दोनों मशहूर पहलवानों को लड़ते हुए देखना चाहता था। किंग कॉन्ग एक बहुत ही बड़े शरीर वाला पहलवान था। कहते हैं उसका वजन लगभग 200 किलो का था, जबकि दारा 130 किलो के थे। इस लिहाज से किंग कॉन्ग को मजबूत माना जा रहा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। दारा मैदान में उतरे तो उन्होंने किंग कॉन्ग को पानी मांगने पर मजबूर कर दिया। दारा कड़ी टक्कर दे रहे थे। मुकाबले के थोड़ी ही देर में दारा बहुत आक्रामक हो गए थे। उन्होंने 200 किलो के किंग कॉन्ग को अपने हाथों में उठाकर अपने सिर पर रख लिया। लोग यह नजारा देखकर हैरान थे। वह खड़े होकर दारा के सम्मान में तालियां बजाने लगे। ये देखकर दारा को जोश आ गया तो उन्होंने किंग कॉन्ग को एक झटके में रिंग से बाहर फेंक। इस जीत ने दारा को रातों रात पहलवानी का ऐसा स्टार बना दिया जिससे सभी मिलना चाहते थे। दारा सिंह के पहलवानी का सफर यादगार रहा। उन्हें रुस्तमे हिंद, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जैसे कई खिताबों से सम्मानित किया। कहते हैं कि जब से पेशवर पहलवानी में दारा ने अपना कदम रखा था, तब से वह कभी मुकाबला नहीं आया। 1983 में अपना 5वां मुकाबला पूरा करने के बाद दारा ने पहलवानी को हमेशा के लिए अलविदा कह। पहलवानी के अखाड़े के साथ साथ जब दारा फिल्मी दुनिया में उतरे तो वहां भी उनकी दमक देखी गई। वह मर जैसी ढेरों मशहूर फिल्मों का हिस्सा रहे। पहलवानी के बाद फिल्में ही उनके दूसरा प्यार हुआ करती थी। 1952 में आई फिल्म संगीत दिल से दारा सिंह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वह पहले एक स्टंट एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम किया करते थे। अपने प्रतिद्वंदी रहे किंग कॉन्ग पर बनी फिल्म में पहली बार वह मुख्य भूमिका में पर्दे पर देखी। उनका पहाड़ सा मजबूत शरीर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा। पहलवानी के साथ साथ अब फिल्मों में भी लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्में की। उनको खुद पर इतना भरोसा था कि वे अपनी फिल्मों में कभी स्टंटमैन का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे अपने सारे स्टंट खुद करते थे। अपने इस फैसले के कारण उन्हें सुपर हीरो कहा जाने लगा था। फिल्मों के साथ साथ दारा ने टीवी सीरियल में भी काम किया। रामायण के नाटक के रूपांतर में उनके द्वारा किए गए हनुमान के किरदार ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। मुमताज अपने वक्त की एक बड़ी अदाकार थी। उनके फिल्म में होने भर से फिल्म सुपरहिट हो जाया करती थी।
पर क्या आप जानते हैं मुमताज इस मुकाम तक कैसी पहुंची? इसके पीछे दारा का हाथ था। माना जाता है कि दारा ही थे जिन्होंने मुमताज को अभिनय में कामयाबी दिलाई। मुमताज खुद को स्थापित करने में लगी हुई थी, उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। ऐसे में दारा ने आगे बढ़कर उनके साथ काम किया। वे एक साथ फिल्म फौलाद में पर्दे पर देखे। दर्शकों को यह साथ बहुत पसंद आया और पिक्चर हिट रही। कहते हैं इस फिल्म से ये जोड़ी दर्शकों की फेवरेट हो गई थी। इस कारण दोनों ने मिलकर एक साथ 16 फिल्में की। मुमताज का भी मानना था कि दारा की बस से ही वह फिल्मों में कदम रख पाई। फिल्में में भले ही दारा से गुंडों को मारते हुए दिखाई देते थे, लेकिन असल जिंदगी में वे बहुत ही शांत और विनम्र थे। दारा सिंह किसी नारियल की तरह थे, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से फूल की तरह एकदम कोमल। शायद यही कारण है कि उनके चले जाने के इतने वक्त बाद भी वे लोगों के दिलों में एक बादशाह बनकर रहते। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाले वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।